आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बंगाली मूवी के डेट अनाउंसमेंट, जिसका टीजर हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। टाइटल क्या बताएंगे? मौज़ भाई, टाइटल है दोरोद, जिसका मायने है दर्द। और इसको डायरेक्ट किया है अनोन मामून ने। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है कमल, अनोनो है, अशोक है और हिमांशु है। और स्टार कास्ट में है शाकिब खान है, सोनल चौहान है, पायल सरकार है, राहुल देव और इसके साथ राजेश शर्मा है। सो बेसिकली भाई मूवी का जो जॉनरे है वो एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अभी तुलो मिया हमार पोर मुखे हासी देखार जन्य अभी हजार टकुन करते पारी जिस्म में तेरे से हमार भालोबाशार मुखे हासी फुटे ये सरिया टाइप लग रहा था। से हमार दोस्त निकले तेरी और मर जाए और से हासी कायरा निबो ये राजेश शर्मा सर से लग रहा था ना। साला সেদিন ভেবেছিলাম তুই জোকার, কিন্তু এখন দেখছি তুই হচ্ছিস জোকার বার। यार हंसी कितनी खतरनाक थी। हाँ, लेकिन मूवी जैसे कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लग रही है। वो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर जब टीजर भी देखा था तो उस टाइम पर भी ये चीज फील हुई, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था कि भाई हो क्या रहा है। लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा ये चीज क्लियर हुई है कि जो शाकिब खान है वो एक ऑटो ड्राइवर भी है और साथ में सीरियल किलर भी हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे वो सोनल चौहान से प्यार करते हैं। मे भी हो सकते हैं, लेकिन जो है भाई क्योंकि वो एक ऑटो ड्राइवर और सीरियल किलर जो है वो बनाए हुए हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा ये लगा कि शायद अपने ऑटो में बैठने वाले कुछ लोगों के पीछे वो लग जाते हों। मे भी पॉसिबल है ना। हाँ। क्योंकि अगर सोनल चौहान जो है वो देखा जाए तो उनकी ऑटो में आपको जो है वो नजर आ रही है। हाँ, वो एक पैसेंजर की तरह ही नजर आ रही है। और बाद में वो मुझे लगता है जिस तरह वो एक रोमांटिक सीन जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो उनके घर में भी शायद आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन सीरियल किलर क्यों है, साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो उन्हें क्यों है, ये तो ट्विस्ट होगा जरूर कोई ना कोई। लेकिन वो मुझे लगा था एक जगह जो है ना राजेश शर्मा सर जो हैं उनको काफी बुरे तरीके से स्टैप कर रहे थे। मुझे भी ये लग रहा था, मतलब जहां पर वो खंजर पकड़ा हुआ था ना और फिर उसके बाद मतलब क्लियरली फेस तो नहीं दिखा रहे लेकिन साइड पोस्ट से लग यही रहा था कि राजेश शर्मा सर है। हाँ। लेकिन जो लास्ट वाली आवाज थी ना वो भी मुझे राजेश शर्मा सर की लग रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब हंसी वाली नहीं कह रही, उससे पहले जो एक पुलिस वाला एक सीन दिखाते हैं ना उस वाले सीन में मुझे उनकी आवाज लग रही थी। हो सकता है, वैसे भाई जो सीरियल किलर्स होते हैं ना उनकी जो कहानियां जो रियल लाइफ में होते हैं आप सुनते हैं ना, आपको सुन के जो है ना डर लगता है जिससे लोगों का वो कत्ल करते हैं। लेकिन राहुल देव सर का बीच में क्या रोल है वो अभी वैसे क्लियर नहीं इतना हुआ कि क्या रोल है उनका। अभी पता नहीं, मुझे लग रहा है वो शायद जो है ना क्योंकि उनका नाम VRS भाई ठीक है ना, तो मेरा ख्याल शायद हो सकता है वो किसी गैंगस्टर का रोल जो है वो बीच में प्ले कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है शाकिब खान जो है वो राहुल देव जो है उनकी तरफ कुछ प्ले कर रहे हो या मे बी उनको ही उन्होंने मारना हो। हाँ, ये मारना भी पॉसिबल हो सकता है कि उनके साथ कुछ इस तरह से पास्ट में हुआ हो कि जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हो। लेकिन लेकिन जो है ना एक आपको इस तरह का ही जो है ना वो नजर आ रहा है कि एक साइड पर जो है ना वो आपको काफी एक लवेबल पर्सन जो है वो नजर आ रहा है जो बहुत प्यार करते हैं, और ऑन दी अदर साइड जैसे ही वो कैमरा फ्लिप होता है आपको वो एक बिल्कुल वो आपको कहते हैं ना कि एक गांव का लड़का ठीक है ना, क्योंकि उनका स्टाइल अगर आप देखें
वो इस तरह का बना होता है गाँव का लड़का और बड़ा मासूम सा, लेकिन जब आप दूसरी साइड देखते हैं तो आप एकदम हो जाते हैं कि यार कैसे। देखो स्प्लिट पर्सनालिटी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि लोग बहुत अलग अलग बिहेव करते हैं, बट यहाँ पर मैं बोलूंगी ये काफी मुझे लगता है कि थोड़ा खून खार किस्म का हम लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ब्लड भी हम देखते हैं और चाकू वगैरह भी देखते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा यहाँ पर बात करूँ अब रोमांस की, तो वैसे एक जो मैं कहूँगी सीन था वो तो मुझे बिल्कुल केसरिया सॉन्ग का याद आ रही थी, मतलब उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन भी वहाँ पर यूज किया गया है और लोकेशन जिस तरीके से, तो वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ मतलब उस टाइप का मुझे सॉन्ग जो है वो लग बिल्कुल रहा था। अच्छा स्टार्टिंग में एक फ्रेम था जो कश्ती में बैठे हुए थे, वो बनारस शायद लग रहा था, शायद मे बी पॉसिबल है, क्योंकि वो कुछ जो है ना घाट टाइप जो है ना ऐसे फील हो रहा है, घाट है। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे है भी ओरिजिनल है और नहीं भी लग रहा ओरिजिनल। चलिए ये तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल इसके अब ट्रेलर का इंतजार रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने इसका टीजर जो है वो देखा हुआ है, ट्रेलर में थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी कि भाई मूवी की स्टोरी जो है वो किस तरह की होने वाली है। बेसिकली दिवाली पर आपको काफी ज्यादा मूवीज जो है वो देखने को मिलेगी। हाँ लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ इंडियन सिनेमा की, भाई इंडियन सिनेमा के साथ कोलैबोरेशन करके ना आपका वो एडिटिंग स्टाइल, आपके कलर्स और हर चीज है ना वो चेंज हो जाती है। ये डायरेक्शन वगैरह सब कुछ जो है वो आपको चेंज दिखती है। एनीवे गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए, क्या लग रहा है स्टोरी में क्या ट्विस्ट होने वाला है, और शाकिब खान जो हैं क्या मतलब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनकी क्या रीजन हो सकते हैं, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ गुड बाय।